चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, अब तक जो एग्जिट पोल है उसके अनुसार आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल रही है, क्या कुछ उम्मीदें हैं? देखिए, एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं होता है, और सबसे बड़ी बात है दिल्ली में जिस तरह से हमारे सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने काम किया है, डेवलपमेंट का काम हुआ है, काफी लोगों का मनोबल हाई था, हम लोग भी गए हुए थे, काफी उत्साह के साथ लोगों ने वोट किया है, पहले से बेहतर स्थिति रहेगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है, संघर्ष से हम इस चीज को मानते हैं, लेकिन पहले से बहुत बेहतर स्थिति में है, और इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो सरकार बनाएंगे, हमारी भी सरकार बन सकती है, इसमें कहीं संदेह नहीं। तो जिस तरीके से केंद्र सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि हम जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, तो एनआरसी, एनपीआर और सीएए को लेकर जो विवाद चल रहा है काफी समय से, क्या आप मानते हैं कि जनता के बीच कहीं ना कहीं ये बातें सही तरीके से नहीं पहुंच पाई हैं, जिसकी वजह से एग्जिट पोल की स्थिति? देखिए, जो सीएए का सवाल है ये पूरे देश भर में लाया गया, और पूरे देश के मैक्सिमम लोग जो हिंदुस्तानी है वो सही माने में इसे जानते हैं और इसे मान भी रहे हैं कि ये अच्छा चीज लाया गया, लेकिन विरोधी के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। विरोधी ये सोच रहा है कि अगर ये लागू हो गया और हर लोग मान गए, हंगामा नहीं हुआ, तो हमारा तो पूरा पूंजी खत्म हो जाएगा, हमारा राजनीतिक खत्म हो जाएगा, इसलिए ये लोग बहकाने का काम कर रहे हैं कि भाई किसी के खिलाफ, किसी जाति विशेष वर्ग को बहकाने का काम कर रहे हैं कि भाई आपके खिलाफ लाया गया, आपको देश से निकाला गया है। मेरा ये कहना है कि जो भी हिंदुस्तानी हैं, इस कानून से किसी को कोई खतरा नहीं है, और ये किसी का सदस्यता लेने के लिए नहीं, ये देने के लिए लाया गया कानून है, इसे कुछ लेने वाला नहीं है, और इस कानून को समझने का बात है, और हर लोग समझने लगे हैं, और जो लोग समझने लगे उसे मानने भी लगे हैं, और घर भी वापस जा रहे हैं, यही सच्चाई है। बस राजनीति करने वाले शाहीन बाग हो, वहां बिरयानी खाने वाले, 500 रुपया रोज लेने वाले बैठे हुए हैं, कोई नहीं है। इसी तरह जिले में भी जहां लोग बैठे हुए हैं वो भाड़े के टट्टू बैठे हुए हैं, और खाने वाले बैठे हुए जो खाते हैं, और विरोधी पैसा देकर के उन्हें बैठा रहा है, वही लोग बैठे हुए हैं, विरोधी का पूंजी खत्म हो रहा है, इसलिए ये चीज हो रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।